सिखों के लिए मैं समझता हूँ कि जो अमरधारी सिख हैं, गुरु के सिख हैं, जिन्होंने खंडे बाटे की पौल छकी हुई है, उनके लिए कृपाण और ककारों का पहनना लाजमी है। ये हमारी मर्यादा है, हमारी परंपरा है, हमारे गुरु का हमें उपदेश आदेश है। इसके ऊपर पाबंदी लगानी और सुप्रीम कोर्ट का उसको आप होल्ड करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है, जो कि समुची कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट में ये हो रहा है जिनको जिनकी आज़ादी को बचाने के लिए, क्योंकि पूरे यूरोप की आज़ादी को बचाने के लिए, चाहे वो फ्रांस है, चाहे इटली है, चाहे कोई भी कंट्री है, उन यूरोप का कोई भी कंट्री है, उसकी आज़ादी को बचाने के लिए वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड में केसाधारी सिखों ने, पगड़ीधारी सिखों ने और कृपाणधारी सिखों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां देकर उनकी आज़ादी को कायम रखा और बचाया। आज भी उनके जो वहां पर बुत लगे हुए हैं उन कंट्रीज में जहां उनकी यादगारें बनी हैं, तो ऐसे इस ऐसी कौम के साथ इतना बड़ा अन्याय करना, इतना बड़ा जुर्म करना, उसकी मर्यादा को भंग करना, उसकी मर्यादा को तोड़ने का यत्न करना, मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा निंदनीय कार्रवाई है। और हमारी गवर्नमेंट जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसको भी इसके लिए यत्न करने चाहिए। इटालियन गवर्नमेंट के साथ ये मामला बड़ी सीरियसली टेकअप करना चाहिए। ये सिखों की भावनाओं का संबंध है इसके साथ। तीसरी बात, सिखों की जो पार्लियामेंट है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसको इस मसले के लिए बड़ी संजीदगी और सुहृदता से उसको टेकअप करके गवर्नमेंट लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर उसके लिए अपनी कार्रवाई करनी चाहिए।